हेलो फ्रेंड्स, राजीव मिश्रा आपके लिए लेकर के आए हैं एक और जबरदस्त वीडियो जिसमें हम सीखेंगे एमएस वर्ड की कूल ट्रिक। आज की हमारी जो ट्रिक है वो है मूविंग टेक्स्ट विदाउट कॉपी एंड पेस्ट। हम अपने टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट किए बिना मूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ज़्यादातर हमारे जो लर्नर्स होते हैं एमएस वर्ड के, वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को यहाँ से कट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास तीन सेट ऑफ पैराग्राफ है। मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस की और मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा, एंटर प्रेस किया और मेरा पैराग्राफ यहाँ आ गया। ओह, आपको पता नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। राइट, नाउ मैंने इसे सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की प्रेस की और यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरा डेटा यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, है ना बढ़िया ट्रिक। एक बार फिर देखते हैं इसको। यहाँ से मैंने शॉर्टकट की प्रेस की और यहाँ पर प्रेस किया एंटर, डेटा यहाँ आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक शॉर्टकट की ली F2 का इस्तेमाल किया, F2 फंक्शन की है F2, और बिना कट किए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करते ही अपना पैराग्राफ ये लिख दिया। एक बार और देखते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए ये। राइट, सो ये रेड कलर का जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, लेकिन बिना कट के F2 प्रेस किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एंटर प्रेस किया, डेटा यहाँ आ गया। ठीक है ना, कमाल की ट्रिक F2। और अब हम दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, बिना कॉपी के, बिना पेस्ट के इसकी कॉपी बनती जा रही है। तो ये मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल ए, मैं सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल की मदद से मैंने क्या किया, पैराग्राफ को पिक किया, ड्रॉप किया, कंट्रोल की मदद से मैंने इसे उठाया, उठा करके यहाँ रखना शुरू किया। आप देखेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जा रही है। तो है ना कमाल की ट्रिक। इस तरीके से आप आसानी से एमएस वर्ड में तेज़ी से काम कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।